मैं वैभव राज, जलेबी न्यूज से। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वच्छता अभियान और उस पर चले तमाम मुहिमों पे। जो स्वच्छता अभियान पे एक लबो लुआब खड़ा किया गया, आज हम उसका रियलिटी टेस्ट देश की राष्ट्रीय नदी गंगा पर करने जा रहे हैं। हरिद्वार से निकली गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके लिए हमने स्थान चुना इलाहाबाद। इलाहाबाद क्यों चुना? क्योंकि 2019 में वहाँ अर्धकुंभ लगने वाला है। उस अर्धकुंभ में न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से तमाम श्रद्धालु, दर्शक और आगंतुक आने वाले हैं और उन्हें इस बात से फर्क पड़ेगा कि गंगा कितनी साफ है। इसी को लेकर के हमने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है। हमारे संवाददाता मानवेंद्र गंगा और उसके घाटों का जायजा लिया और उस पर अपनी एक पूरी रिपोर्ट विस्तृत तैयार की। हम अपनी आपको वो रिपोर्ट अभी दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय हम फिर इलाहाबाद की पावन धरती प्रयागराज पे आ चुके हैं। प्रयागराज का यह हुआ घाट है जिसे दशाश्वमेध घाट कहते हैं। काफी पौराणिक घाट है। इस घाट पे देखिए यह आलम है कि कितनी गंदगी, यहाँ पे सांस लेने तक लोग दुर्भर हो चुका है। और यहाँ पे नहाने की बात, हालांकि लोग नहाते हैं लेकिन फिर भी गंगा जी का पानी इतना दूषित हो चुका है कि इसमें लोग आचमन करने के लिए एक बार सोचते हैं। लेकिन हालांकि लोगों की भावना है, आस्था है, आस्था जुड़े हैं, इसलिए लोग यहाँ पे आचमन करते हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई मदद नहीं है, कर्मचारी तो लगे हुए हैं मगर जब कोई अधिकारी यहाँ निरीक्षण करने आता है तभी वो यहाँ नजर आते हैं, वरना यहाँ कोई प्रशासनिक सफाई कर्मी यहाँ आता नहीं है। और यहाँ दो तीन कर्मचारी सफाई वाले हैं जिनको प्राइवेट लोग ही इनको जो है तनख्वाह देते हैं, वही यहाँ साफ सुथरा करते हैं। और गंदगी का तो यहाँ साम्राज्य है। और घाट इतना अस्त व्यस्त है कि जो दर्शन स्नार्थी आते हैं उनको भी बहुत तकलीफ होती है, नहाने में, कपड़ा पहनने में, हर चीज़ की यहाँ तकलीफ है। पिछली बार यहाँ सफाई कब हुई थी? वही माघ में हुई थी। माघ के पहले यहाँ कोई नहीं आता सरकारी अमला। नमामि गंगे के तहत कोई भी आदमी यहाँ पे कभी दिखाई पड़ा? कोई नहीं, सब ऊपर आनंद ले रहे हैं, सब हवा हवाई है, उसमें कोई यहाँ का उससे कोई मतलब नहीं है। प्रचार देख लीजिए, गाड़ी देख लीजिए, टिप टाप देख लीजिए, सब शहरों में घूमते यहाँ कोई नहीं आता। जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे तीर्थराज पुरोहित पंडा जी ने बताया कि यहाँ पे सरकार के महकमे से कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो भी कुछ भी सफाई साफ सफाई सुविधा है उसके लिए यहाँ खुद आने वाले श्रद्धालु या फिर यहाँ पे बैठने वाले पंडा द्वारा ही खुद पैसे खर्चे करके यहाँ पे साफ सफाई करवाई जाती है। कहली उनकी अपनी आस्था है इसलिए वो साफ सफाई करवाते हैं। हालांकि इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिस हिसाब से यह काफी पौराणिक घाट माना जाता है उस हिसाब से यहाँ पे सरकार की देखा जाए तो किसी प्रकार की एक पैसे की व्यवस्था नहीं है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि माघ के महीने में यहाँ व्यवस्था की जाती है, उसके बाद 11 महीने फिर बाकी वही हाल रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट मानन पांडे के साथ कैमरामैन अंकित तिवारी। जैसा कि अभी हमारे संवाददाता मानवेंद्र ने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें साफ साफ पता चला कि जल कितना दूषित है, घाट कितने प्रदूषित हैं। स्वच्छता दिखनी चाहिए पर जब बात जल की हो तो स्वच्छता होनी भी चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, ये मात्र एक स्लोगन नहीं एक सच्चाई है, क्योंकि अगर स्वच्छ जल ही नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। अब तक हजारों करोड़ रुपए इस पे खर्चे हो चुके हैं, नमामि गंगे से लेकर तमाम योजनाएं इसमें चल रही हैं। लेकिन हम देखें तो एसटीपी से लेकर तमाम उपाय तो किए गए हैं लेकिन वो कारगर नहीं हो रहे हैं। वो कारगर सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि राजनेता से लेकर प्रशासक तक एसी कमरों से अपने निकलना नहीं चाहते, और जब तक वो निकलेंगे नहीं तब तक न जवाबदेही ठीक से बन पाएगी और ना ही उनका उत्तरदायित्व पूरा हो पाएगा। जब तक वो नहीं अपनी जवाबदेही और उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पाते हैं तब तक ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। केप टाउन में भी एक नदी थी जो सूख गई। अब वहाँ पे न लोगों के पास पीने के लिए पानी बचा है और ना ही नहाने के लिए पानी बचा है। बाहर से पानी मंगाया जाता है और एक लिमिटेड मात्रा में लोगों को उसे बांटा जाता है। हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि राजनेता, प्रशासक, समाज के तमाम लोग इससे ना सिर्फ कुछ सीखेंगे बल्कि कुछ समझेंगे भी और गंगा और तमाम अन्य नदियों के प्रति संवेदनशील बनेंगे। हम ये आशा करते हैं कि वो नदियों को ना सिर्फ सुरक्षित रखने, संरक्षित रखने का प्रयास करेंगे बल्कि सुरक्षित और संरक्षित करने का भी प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं वैभव राज, जेजेबी न्यूज़।